दीर्घा बनाई गई है उसी जगह पर खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सरदार की जो प्रतिमा बनाई गई है उस प्रतिमा के अंदर सीने के लेवल पर ये दर्शक दीर्घा है, एक तरीके से ये गैलरी है कि जो लोग यहां पर पहुंचे वो खड़े हो सकें, बाहर भी देख सकें, एक नजारा ले सकें कि वो किस ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। और इस वक्त प्रतिमा के सीने पर बनी दर्शक दीर्घा में ही मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब यहां से वापस लौटते हुए। To give you another interesting fact, two lifts of in the two cores take people up to this viewing gallery at 4 meters per second. तो लिफ्ट लगी है, अंदर म्यूजियम से ही रास्ता है इस प्रतिमा के सीने तक पहुंचने के लिए। हमने आपको दिखाया था पहले किस तरीके से बाहर से प्रतिमा के चरणों पर 30 नदियों का जल अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रतिमा के अंदर जो अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं उसमें होते हुए सीने के लेवल तक पहुंच चुके हैं। ये प्रतिमा सरदार पटेल की उसके सीने के तल पर ये दर्शक दीर्घा ये गैलरी बनाई गई है जिसका इस वक्त मुआयना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए 1 नवंबर से जनता के लिए खोल दी जाएगी सरदार की ये प्रतिमा, 1 नवंबर मतलब कल से। और 3 किलोमीटर दूर से देखने के लिए 30 रुपए देने होंगे, लेकिन अगर नजदीक से आप देखना चाहते हैं तो फिर उसी हिसाब से टिकट बढ़ता जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर ऊपर के लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं क्योंकि अंदर ही अंदर से रास्ता है। जो सबसे निचला तल है ग्राउंड फ्लोर, वहां पर म्यूजियम बना हुआ है और उसके बाद लिफ्टों के जरिए जो प्रतिमा है उसके अंदर से होते हुए आप ऊपर प्रतिमा के सीने के लेवल पर पहुंच सकते हैं और फिर सीने के लेवल पर बाकायदा ये दर्शक दीर्घा बनाई गई है जहां पर आप चल फिर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप किस ऊंचाई पर है। ये बाहर से आप मूर्ति को देख रहे हैं, सरदार की प्रतिमा, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मूर्ति का सीना देख रहे हैं आप। उस सीने के लेवल पर अंदर की तरफ इस मूर्ति में जो गैलरी बनाई गई है ऑडियंस के लिए वहां चहलकदमी कर रहे थे और वहां से बाहर का जो नजारा है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। आसपास की पहाड़ियां नजर आती है, नर्मदा का तट नजर आता है क्योंकि ये केवड़िया में एक टापू जहां पर पूरा परिसर जो है वो विकसित किया गया है। और ये सबसे ऊंची प्रतिमा, इस सबसे ऊंची प्रतिमा के नीचे एक बड़ा सा म्यूजियम और फिर उस म्यूजियम से ही बाकायदा लिफ्टों के जरिए अंदर ही अंदर आप इस प्रतिमा के सीने तक पहुंच सकते हैं। सरदार के दिल में इस वक्त मोदी पहुंचे हुए हैं, सीने में, दिल में सरदार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम फौरन लौट रहे हैं जानदार शानदार सबसे ऊंचे अपने सरदार। आप रहिए एबीपी न्यूज पर हमारे साथ। धूप में ज्यादा मत रहना और गेट के बाहर बिल्कुल मत जाना। ओके। ध्यान दो, हमेशा नहीं रहूंगी मैं ये सब बताने के लिए। क्या हुआ? आप मुझे छोड़ के जा रहे हो?